नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नोएडा और गाजियाबाद में लगी है भीषण आग, जहां पर नोएडा के सेक्टर 67 के दो कंपनियों में इस दौरान आग लगी है। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। वही गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग ने दो इमारत को अपनी चपेट में लिया है और दोनों जगह आग लगने का कारण फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि अगर बात करें नोएडा और गाजियाबाद की तो दोनों ही जगहों पर भीषण आग लगी है, और नोएडा की बात करें तो सेक्टर 67 के दो कंपनियों में ये भीषण आग लगी है। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वहीं गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में भी फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और आग ने दो इमारतों को अपनी चपेट में लिया है। दोनों जगह आग लगने का कारण फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। दमकल विभाग की गाड़ियां सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची हैं, जहां पर आग बुझाने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की गई है। तो नोएडा के सेक्टर 67 के अगर बात करें तो दो कंपनियों में इस दौरान आग लगी है और फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल विभाग की अगर बात करें तो 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। वहीं गाजियाबाद की अगर बात करें तो फैक्ट्री में भी भीषण आग लगी है, जहां पर दमकल विभाग सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा है गाड़ियों को लेकर। यहां पर भी अगर बात करें तो आग में दो इमारतों को अपनी चपेट में लिया है और दोनों ही जगह आग लगने का कारण फिलहाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि लगातार अगर गर्मी की बात की जाए तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में कुल मिलाकर बात करें तो आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर नोएडा की बात करें या फिर गाजियाबाद की, दोनों ही जगहों पर आग की घटनाएं सामने आई है। जहां अगर बात करें गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में भी एक फैक्ट्री में आग लगी है और दो इमारतों को अपनी चपेट में लिया है इस आग ने, जहां पर आग का विकराल रूप देखते हुए और सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश भी की है। वहीं अगर बात नोएडा की जाए तो नोएडा में भी इस दौरान आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है। तो नोएडा और गाजियाबाद में भीषण आग लगी है और आग लगने की फिलहाल अभी तक कोई भी वजह सामने नहीं आई है, यानी कि स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों से आग लगी है। नोएडा के सेक्टर 67 की अगर बात करें तो दो कंपनियों में यहां पर आग लगी है। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है, और ऐसे में अगर बात करें, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बता दें कि दमकल विभाग की गाड़ी जो है वो आग पर काबू पाने के लिए यहां पर पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो नोएडा और गाजियाबाद में भीषण आग लगी है, जहां अगर नोएडा की बात की जाए तो सेक्टर 67 में बी ब्लॉक में ये आग लगी। वहीं गाजियाबाद में भी ट्रोनिका सिटी औद्योगिक जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी है। तो दोनों ही जगहों पर आग की घटनाएं सामने आई है, और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहां पर आग लगी है, यानी कि विकराल रूप आग यहां पर लेती हुई। लगातार टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है इस भीषण गर्मी में। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, किन कारणों की वजह से आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो दोनों जगहों पर आग बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों से लगी है। नोएडा और गाजियाबाद में यह भीषण आग, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं दोनों ही जगह की। तो लगातार चाहे नोएडा की बात करें या गाजियाबाद की बात करें तो यहां पर आग की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आए दिन आग लगने के मामले जो है उनमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, यानी कि हो सकता है कि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है गर्मी का, उससे भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उसी वजह से बिजली के उपकरणों में भी आग लग सकती है, जिस वजह से आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अगर बात करें तो लगातार आग की घटनाएं जो है गाजियाबाद में देखने को मिल रही है। आज की बात करें तो यहां पर भी ट्रोनिका सिटी की अगर बात करें वहां पर आग लगी है एक फैक्ट्री में, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिरकार किस वजह से आग लग पाई है अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए आग तो लगी है गाजियाबाद के काफी जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री में आग लगी है, और आग लगने के कारणों की जांच बाद में की जाएगी, क्योंकि अभी सबसे पहले जो काम है आग पर काबू पाने का किया जा रहा है, क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड को सूचना मिली आसपास के जिले से भी गाड़ियां मंगाई गई हैं ताकि फायर टेंडर मंगाए गए हैं ताकि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन जब तक फायर टेंडर की गाड़ियां पहुंची हैं तब तक आस पास की जो दो फैक्ट्री है उसको भी आग ने चपेट में ले लिया था, और जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसमें बताया जा रहा है पैकेजिंग का काम किया जाता है, और पैकेजिंग का जो रॉ मटेरियल होता है वो ऐसा मटेरियल होता है जो आग पकड़ने के बाद काफी देर तक जलता है, जिसके वजह से आग पर काबू पाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। अभी ताजा अपडेट की अगर हम बात करें तो एक फैक्ट्री का लैंटर तक गिर चुका है, क्योंकि आग की वजह से दीवारों में जो दरारें हैं उसके बाद फैक्ट्री का एक लैंटर नीचे आ गिरा है। हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन
लगातार आग पर काबू पाने के लिए गाजियाबाद से फायर टेंडर की टीम लगातार काम कर रही है, और साथ ही आसपास की जो गाड़ियां हैं फायर टेंडर की उनको भी बुलाया गया है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, और साथ के साथ एक छोर पर टीम ये भी काम कर रही है कि जिस तरफ से आग लगातार आगे बढ़ रही है उसको रोका जा सके ताकि जो और नुकसान हो पाए। जी जितेंद्र, अगर बात करें क्योंकि जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसकी तस्वीरें अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर विकराल रूप आग ने लिया है, दो इमारतों को भी अपनी चपेट में लिया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए क्योंकि लगातार घटनाएं बढ़ रही, क्या तापमान बढ़ने की वजह से बिजली के उपकरणों में शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं इसी वजह से आग का, क्या इससे पहले की जितनी घटनाएं अभी तक सामने आई है उनमें कुछ स्पष्ट हो पाया है? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी जो घटनाएं सामने आई है उसमें देखा गया है कि जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और लोगों के घरों में जो एसी लगे होते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एरिया में जो एसी लगे होते हैं उनका जो मेंटेनेंस है वो समय समय पर जो कराना होता है वो नहीं कराया जाता, और जब एसी का जो कंप्रेसर है वो मिनिमम जो बताया जाता है जो टेक्निकल्स और जो इंजीनियर्स बताते हैं उनका कहना होता है कि 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये खेल सकते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर ही 50 के आसपास पहुंच जाता है तो ऐसे में कंप्रेसर का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, और ऐसे में जब वो लगातार हीट कर रहा होता है तो ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं और ब्लास्ट होने के चांस होते हैं, जिसके वजह से अमूमन ये आग देखी गई है। गाजियाबाद में इससे पहले भी जो आग लगी है ज्यादातर इसी तरह की वो आग देखी गई है, चाहे वो गाजियाबाद के लोनी के बैठापुर गाँव की बात हो जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 2 लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, हालांकि 2 दिन पहले की यह घटना, इसी के बाद आप गाजियाबाद में ये जो घटना है इससे कहीं ना कहीं लोगों पर ये सवाल निशान ये भी खड़ा कर रहा है कि आखिरकार जो उपकरण फैक्ट्रियों में होते हैं उनको किस तरह से उपयोग करने हैं आग बुझाने के लिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग इन लोगों के पास नहीं होती है, जिसकी वजह से इस तरह की आग जो छोटी आग होती है वो धीरे धीरे विकराल होती चली जाती है। जी और बिल्कुल जितेंद्र, अगर बात करें गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी की तो यहाँ पर लगातार आग की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, आखिरकार क्या कुछ वजह, क्योंकि वहां पर जो फैक्ट्रीज हैं क्या उनकी वजह से, क्योंकि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये भी एक बड़ी वजह है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको शुरुआत से एक बात बताता हूँ, गाजियाबाद का जो ट्रोनिका सिटी है वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया लगातार बसाया जा रहा है, लेकिन जब भी कोई फैक्ट्री बनाई जाती है उसके तमाम नियम होते हैं, उनको फायर एनओसी लेनी होती है, उसके लिए उनको बकायदा जो स्ट्रक्चर फैक्ट्री का होता है उसके हिसाब से काम करना होता है, लेकिन अमूमन तौर पर यह देखा जाता है कि जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं होता है, ठीक है। जितेंद्र मैं वापस लौटूंगी, मेरी सहयोगी आस्था तिवारी इस समय पर नोएडा से मौजूद हैं। आस्था, अगर बात करें क्या आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर सेक्टर 67 की बात करें वहां पर आग लगी है, और अभी क्या हालात है वहां के आस्था? जो है दूसरी और बैठा नजर जिसके जो है इस कंपनी को रोकने
बिल्कुल आस्था, और अगर बात करें क्योंकि आग वहां पर लगी है कंपनी में, तो ऐसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी आस्था? हाँ, हालांकि आपको इसकी जानकारी दे दें, अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है और ऐसे कोई भी सूचना अंदर से नहीं आई है कि कोई व्यक्ति अंदर सब प्रदूषण है। अगर नुकसान हुआ है तो फैक्ट्री के अंदर रखे गए सामानों का, उत्पादों का, मनुष्य की जान माल को खतरा से अभी कोई भी ऐसी जो सूचना है वो यहाँ पर नहीं आती दिख रही है। बिल्कुल आस्था, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है, गर्मी में हम अक्सर देख रहे हैं कि एसी में भी ब्लास्ट इस दौरान देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी सूचना? और आस्था, क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ा, आपकी अगर अधिकारियों से बात हुई हो इस दौरान, तो क्या कुछ कहना उनका कि क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है और इस दौरान आग की घटनाएं भी अब लगातार बढ़ती जा रही है? बिल्कुल आसा, और ऐसे में टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऐसे में शॉर्ट सर्किट होने की भी संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितेंद्र गौतम भी हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अगर बात करें, आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और छह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बहराइच की तस्वीर है, नोएडा की है, लखनऊ, गाजियाबाद, दिल्ली और अल्मोड़ा, यानी कि उत्तराखंड में लगातार अगर बात करें तो वन अग्नि जो है वो फैलती जा रही है, और यहां पर प्रशासन पूरे तरीके से कोशिश में भी लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से आग पर काबू पाया जाए, कोशिश की जा रही है, लेकिन आग भी कम होने का नाम नहीं ले रही और वन अग्नि जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये छह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर बहराइच की है, आप यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से आग ने विकराल रूप लिया हुआ है। नोएडा की बात करें तो आज नोएडा से भी ये तस्वीर सामने आई सेक्टर 67 की, जहां पर बी ब्लॉक में एक फैक्ट्री में आग लगी है और यहां पर भी दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, सूचना मिलते ही और आग पर कोशिश पाने की यहां पर पुरजोर कोशिश की गई आग को बुझाने के लिए, और कुल मिलाकर बात की जाए तो अभी 40-50% यहां पर आग को बुझा दिया गया है, कोशिश की जा रही। वहीं तीसरी तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रहे, यहां पर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से दमकल की जो गाड़ियां हैं वो आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं, यहां पर भी आग ने विकराल रूप लिया है। वहीं चौथी तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं गाजियाबाद की, ये टोनिका सिटी की है, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में आग लगी है और यहां पर भी दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। दिल्ली की तस्वीर यानी कि चांदनी चौक की अगर बात करें तो यहां पर आग लगी और 120 के लगभग दुकानों को अपनी चपेट में लिया, और ऐसे में जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है आग लगने का, यानी कि आग की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं उसको लेकर। जबकि छठी तस्वीर अल्मोड़ा यानी कि उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में लगातार वन अग्नि जो है वो बढ़ती जा रही है, कोशिश है प्रशासन की तरफ से, और अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से भी इसको लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं किस तरीके से आग पर काबू पाया जा सके, और लोगों को भी हिदायत दी जा रही है सहयोग करने के लिए कि किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसी चीजें बाहर ना फेंके जिस वजह से जो आग है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए, और कुल मिलाकर सभी के साथ से इस आग को बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो कई वन कर्मी भी इस आग में झुलस गए हैं, जिसमें से बीते दिन की बात करें तो 4 वन कर्मियों की मौत हो चुकी थी, जबकि 4 बुरी तरीके से झुलसे, जिन्हें की इस दौरान एयर एम्बुलेंस से भी एम्स दिल्ली में एडमिट कराया गया, और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही। तो लगातार जिस तरीके से आग की घटनाएं जगह जगह से सामने आ रही है नजर, ऐसे में लग रहा है कि फिलहाल बिल्कुल, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि टेम्परेचर यानी कि जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, 50 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, ऐसे में जो बिजली के उपकरण है वो भी, उनमें भी शॉर्ट सर्किट होने की एक बड़ी वजह यहां पर बताई जा रही है।